हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाईफाई स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से यानी यूपी ट्रिपल एस से खबर लेकर मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल को रीड किया होगा, देखा होगा, ज़्यादा मैं इस संबंध में बात नहीं करूँगा। आबकारी और स्टेनोग्राफर के संबंध में खबर लेकर मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ। लगातार आप लोगों द्वारा आबकारी सिपाही के जो है रिजल्ट को लेकर के बात की जा रही थी, कमेंट की जा रही थी, और बात कर ले स्टोनों को लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्टोनों का आपका टेक्निकल टेस्ट तो हो चुका है, तकनीकी टेस्ट आपका जो टाइपिंग और स्टोनो टेस्ट था वो हो चुका है आपकी। अब इसको रिजल्ट को लेकर के, जैसा कि रिजल्ट जारी करने के बाद अब आयोग सीधे इंटरव्यू कराएगा, इसे भी आपको पता होगा। अब इसके सामने क्या खबरें हैं वो खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूँ। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ साथ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की प्रत्येक महत्वपूर्ण खबर आप तक राहुल वाईफाई स्ट्री चैनल के माध्यम से पहुँचाई जा सके। जैसा कि लगातार आपको खबरें मिलती रहती हैं राहुल वाईफाई स्ट्री चैनल के माध्यम से। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक यहाँ से एक क्वेश्चन का क्यूज है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ ये चीज़ आप हटा दीजिए, या न था ये चीज़ आप जो कंटिन्यू करिए। क्वेश्चन क्या है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में, पूरी इन्फॉर्मेशन इस आंसर जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी इस क्वेश्चन के बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कहीं ना कहीं इसका आपका नॉलेज जो है इन्हेंस होगा, है ना। चलिए वो क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को जो है शामिल करने की कोशिश की है। क्वेश्चन क्या है, सॉलिसिटर जनरल निम्न से क्या होता है, है ना। सॉलिसिटर जनरल निम्न से क्या होता है इसका आंसर आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है ना। इन चारों में से आपको जो भी आंसर आपको पता होगा इसका सही आंसर लिखना, और कौन है इसमें सॉलिसिटर जनरल भारत में, इसका नाम भी, उनका नाम भी इसमें जरूर मेंशन करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, हम देखते हैं यहाँ से खबरें। तो आबकारी सिपाही रिजल्ट को लेकर के, जैसा कि आप लोग जानते हैं 2016 की भर्ती है, पूर्ववर्ती सरकार के शासनकाल की भर्ती है, और ये कहीं न कहीं भर्ती बहुत ही परिस्थितियों से, बुरी परिस्थितियों से गुजरती हुई आज पहुंची हुई, क्योंकि भर्ती अभी तक कैंसिल नहीं हुई है। कोर्ट में गई, जांच हुआ, एसटीएफ, तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरी। अब सिपाही रिजल्ट को लेकर के आबकारी क्या स्थितियाँ बन रही हैं आयोग में, ये भी जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, और आपकी उत्सुकता भी क्योंकि होनी चाहिए, पिछले 4 साल से भर्ती फंसी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आबकारी सिपाही रिजल्ट को लेकर के संभावनाएं ये जताई जा रही हैं जो खबर से आयोग मिल रही है। कुछ चैनल वाले हमारे ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आपको पता होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको तरह तरह के जो है खबरें देते हैं। और अब मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि किसी की बुराई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो उनका जो वर्क है वो करेंगे, और वो बोलते हैं कि सीधे सचिव से बात करते हैं, सीधे अध्यक्ष से बात करते हैं, तो कोई इतना आसान नहीं है सचिव और अध्यक्ष से बात करना सीधे। कोई यूट्यूबर इतना आसान नहीं कि अध्यक्ष और सचिव इतने जो है फालतू समय बैठे होते हैं कि वो सबसे बात कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण लोगों से बात करते हैं। अगर आप किसी संगठन से नहीं हैं, छात्रों के संगठन से, तो वहाँ से सचिव साहब से बात करना इतना आसान काम नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए, जो भी खबरें मिलती हैं वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा मिलती हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे, अगर आपको अच्छी खबर ले प्राप्त करनी है तो वहाँ के अधीनस्थ कर्मचारी से भी किसी भी ऑफिस में सबसे अच्छी और पक्की खबर मिलती है। इस चीज़ को आप लोग भी जानते होंगे, इतने समझदार हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ से जो खबरें मिल रही हैं कि आबकारी सिपाही रिजल्ट को लेकर के, भैया आपका रिजल्ट ये बिल्कुल प्रक्रिया में है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जुलाई महीने में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन प्रक्रिया में पूरी है रिजल्ट, और रिजल्ट आने वाले दिनों में, नहीं कि जुलाई तो अगस्त में जारी किए जाने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, मैं सही और पक्की खबर देता हूँ, किसी प्रकार की कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत हो खबर से तो आप विनम्रता से, पॉलिटी से जो आप कमेंट करिए, उसका पूरा सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि टेक्निकल टेस्ट हो चुका है, बेचैनी बढ़ चुकी है, रिजल्ट कब तक आएगा। टेक्निकल टेस्ट नवंबर दिसंबर में, आपको पता होगा 6 महीना हो चुका है, रिजल्ट नहीं जारी किया गया। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ रिजल्ट को लेकर के स्टेनोग्राफर, कि स्टेनोग्राफर का रिजल्ट देखो भैया अभी नहीं जारी किया जाएगा। स्टेनोग्राफर का रिजल्ट जो संभावना बताई जा रही है, ये मान के चलिए आप 15 अगस्त के बाद ही जारी किया जा सकता है स्टेनोग्राफर का रिजल्ट। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों के लिए है, जो छात्र इस भर्ती में चयन नहीं हो पाया था उनके लिए अच्छी खबर है कि लेखपाल भर्ती के आसपास ही आपके स्टेनोग्राफर की नई भर्ती आएगी। इस चीज़ को आप लोग आश्वस्त हो जाइए, जो अधीनस्थ सेवा चयन में बात चल रही है कि स्टेनोग्राफर की लेखपाल के साथ साथ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि साथ में विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन 1-2 महीने के अंदर अंदर स्टेनोग्राफर की नई भर्ती जारी की जाएगी। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी सोच रहे होंगे, प्रश्न के मन में ये भी उठ रहा होगा कि सरकार ने पूरी तरीके से भर्तियों पर रोक लगा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नई भर्तियाँ अब क्रिएट नहीं की जाएंगी, जो भर्तियाँ हैं वो तो कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो हाँ, निश्चित तौर पर सरकार के खजाने में कमी आई है, ये भी आप लोग जानते हैं, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है
उसको करना जरूरी ही होगा, चाहे सरकार हो, चाहे हम हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे आप हो। तो इस चीज़ को आप लोग भी जानते हैं। तो स्टेनोग्राफर की नई भर्ती जारी होगी मित्रों, और बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा लेखपाल के साथ ही। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी जो आबकारी सिपाही और स्टेनोग्राफर रिजल्ट और स्टेनोग्राफर नई भर्ती के लिए। मैं आशा करता हूँ ये खबर आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत हो कमेंट बताइए, इसका पूरा सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।